दर्शकों नमस्कार, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट संजय मीरे। दर्शकों, आज मुझे आप सभी को बताते हुए बड़ा ही आनंद हो रहा है कि आज हमारे खास मुलाकात इस कार्यक्रम के लिए BCN के स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिनका नाम है गोविंद शेंडी जी, जो कि आज के हमारे खास मुलाकात इस कार्यक्रम के मेहमान हैं। मैं गोविंद जी के बारे में दर्शकों आपको बता देना चाहता हूं कि गोविंद जी, आप विश्व हिंदू परिषद के प्रांत महामंत्री हो और राम जन्मभूमि से लेकर या मंदिर के निर्माण को लेकर जो भी अभियान आपके संस्था की ओर से जो चलाया जाएगा उसके आप प्रांत प्रमुख भी हो। तो दर्शकों, हम सीधा रुख करना चाहेंगे गोविंद जी शेंडे इनकी ओर और गोविंद जी से ये पूछना चाहेंगे कि राम मंदिर के तमाम मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत भी करेंगे। सर, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं खास मुलाकात में। और ये रहा मेरा पहला सवाल कि जहाँ राम मंदिर की बात आती है तो अगर हम थोड़ा इतिहास में अगर जाए तो 1528 से लेकर अब तक ये 2021 लग चुका है, इतना वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, राम मंदिर का जो मुद्दा है वो संघर्षरत क्यों रहा है, क्या वजह थी इसकी? 1526 में बाबर भारत के अंदर आया और 1528 में उसने श्री राम जन्मभूमि के मंदिर को विध्वंस किया, उसको तोड़ा। तोड़ने के पीछे का उसका जो भाव था वो कि राम से कोई द्वेष नहीं था, राम से कोई उसकी बुराई नहीं थी, राम से कोई उसको लेना देना नहीं था, लेकिन मंदिर को उसने तोड़ा। तोड़ने के पीछे का जो उसका भाव था वो यह था कि राम इस देश की प्राण है, राम इस देश का हर घर के अंदर, हर मनुष्य के मन के अंदर बसा हुआ एक यह है। तो उसने इस मंदिर को सिर्फ तोड़ने के पीछे का भाव उसका यह था कि तुम गुलाम हो, मैंने तुमको जीता है, इस जीत का अभिमान उसको दिखाने के लिए, और तुम गुलाम हो, तुम गुलाम की तरह रहो, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए उसने हमारी आस्था के केंद्र राम के मंदिर को तोड़ा है। तो गोविंद जी ने थोड़ा सा इतिहास का रेफरेंस देते हुए ये जो जानकारी उसके बारे में अच्छी बात उन्होंने कही है, वो सटीक जानकारी भी दी है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है उसकी एक समिति बनाई गई थी और उस समिति के अभियान प्रांत प्रमुख भी आप गोविंद जी शेंडे आप हो। सर, देखने में ये आ रहा है कि आपने एक ऐलान आपकी संस्था की ओर से किया गया है कि आने वाले 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक, चाहे फिर राम जन्मभूमि का मसला हो या निधि निर्माण समर्पण का मसला हो या जो घर घर में जाके जिसको गृह संपर्क जो कहते हैं उसका जो अभियान आप जो चलाने वाले हो वो कैसा चलाने वाले हो, क्या कहना चाहोगे आप? संजय जी, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया 9 नवंबर 2019 को जी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के अंदर उस पूरी भूमि को राम जन्मभूमि स्वीकार किया। लड़ाई सिर्फ इसी बात की थी और स्वीकार करके करते हुए उसने कहा कि भाई ये पूरी की पूरी भूमि जो है इसको मंदिर निर्माण किया जाए और इसके लिए सरकार को निर्देशित किया कि आप इसके लिए एक अलग से ट्रस्ट बनाओ और वो ट्रस्ट इस मंदिर का निर्माण करेगा। तो वो जो ट्रस्ट बना जी, उसका नाम दिया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ऐसा उसको नाम दिया जी। उसमें 15 ट्रस्टी हैं और उन 15 ट्रस्टियों के माध्यम से पूरे मंदिर का निर्माण का काम होने वाला है। अच्छा, ट्रस्ट ने यह तय किया कि सरकारी पैसे से मंदिर नहीं बनाएंगे, तो फिर मंदिर कैसे बनेगा? इतना बड़ा मंदिर बनना है, करोड़ों रुपए का खर्चा है, तो मंदिर कैसे बनेगा? तो मेरा सवाल वही है कि ये करोड़ों रुपए का जो निधि जो लगने वाला है, जो पैसा जो लगने वाला है, उसको कैसा, उसका जुगाड़ कैसे करोगे आप? विश्व हिंदू परिषद ने जब इस आंदोलन को अपने 1984 से लिया अपने हाथ में जी, तभी हमने कहा था कि इस मंदिर को राम भक्त बनाएंगे और इसलिए राम भक्तों के पास जाएंगे, क्योंकि उस राम का मंदिर बनाना है जिसने शबरी के झूठे बेर खाए, हमें उस राम का मंदिर बनाना है जिसने निषाद राज को गले लगाया, हमें उस राम का मंदिर बनाना है जिसने केवट से अपने पांव धुलवा करके केवट के पूरे परिवार का उद्धार कराया, इसे देश की सबसे कमजोर से कमजोर जो व्यक्ति था या समाज था उसको संगठित करके उसके मन के अंदर वो हौसला बुलंद किया कि वो उस समय के सबसे बड़े आतताई आतंकवादी
एक महाशक्ति जिसने त्रिलोक को अपने कब्जे में करके रखा हुआ था, ऐसे रावण के सामने युद्ध करने के लिए खड़ा कर दिया। उस राम का मंदिर यदि मंदिर बनाना है तो इस पूरे समाज का उस मंदिर के अंदर सहयोग होना चाहिए। इसलिए गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर के इस देश के धंधा सेठ तक के लोगों का इस मंदिर के निर्माण के अंदर सहयोग हम लेने वाले हैं और वो मिल रहा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने कहा कि इस प्रकार का ये जो सहयोग लेने वाला है जो मिल रहा है, लेकिन मेरा सवाल गोविंद जी एक ये भी था, क्या आपका ये जो अभियान जो है, क्या ये प्रांत समिति, जैसे प्रांत होते हैं तो क्या प्रांत समिति होगी या जिला समिति होगी या गांव समिति या पूरे देश में ये उपक्रम चलाया जाएगा क्या? संपर्क के लिए हमको अलग अलग भिन्न भिन्न समितियों का निर्माण करना पड़ा जी। इसमें हमने प्रांत स्तर की समिति बनाई है, जिला स्तर की समिति बनाई है, फिर तहसील केंद्र पर भी समितियाँ बनाई है, नीचे गांव तक के हमने समिति बनाई है। इसलिए एक बहुत बड़ा एक वर्ग इस आंदोलन इस पूरे अभियान के साथ में जुड़ा है, जो इसकी संख्या पूरे देश में लाखों में जाएगी। बिल्कुल, और यह सब मिल करके ग्राम संपर्क करेंगे, घर संपर्क करेंगे, इसको गृह संपर्क हमने नाम दिया है। और हमने अपने इस विदर्भ की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो हमने तय किया है कि विदर्भ के हर गाँव के अंदर हम जाएंगे। विदर्भ में कुल 12,500 गांव हैं, तो सभी पूरे 12,500 गांवों के अंदर हम जाएंगे, घर घर संपर्क करेंगे और घर घर संपर्क करके राम मंदिर के लिए उनसे कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग मांगेंगे। जो जो देगा उसको स्वीकार करेंगे। देखो, जो जो देगा उसको स्वीकार करेगा, ऐसा आपका कहना है। लेकिन जब प्रांतों की बात आती है, चाहे विदर्भ हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, आदि प्रांतों ने एक बात भी कही कि वे भी अपने गांव-गांव जाके यह अभियान जो चलाए जाएंगे, तो ये अभियान चलाने के लिए एक जो ताकत जो लगती है या कुछ ऐसा प्लानिंग जो होता है, इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चरल प्लानिंग आपके पास है? हाँ, है ना। पूरे देश भर के लिए हमने एक समिति गठित की है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के जो हमारे कार्याध्यक्ष हैं माननीय आलोक जी, ये इस पूरे अभियान के प्रमुख हैं। फिर ऐसे ही अन्य संगठनों के लोग और कुछ सामाजिक बड़े जो संगठन हैं, ऐसे सामाजिक संगठनों के लोगों को भी इस अभियान के अंदर शामिल किया है, वो भी समिति के अंदर है, अभियान के अंदर शामिल है। इसी प्रकार प्रांतों की जो समितियां बनी, उस प्रांतों की समितियों में भी उस प्रांत के जो प्रमुख लोग हैं, प्रमुख वहाँ के संगठन हैं, उनके लोगों को भी उसमें शामिल किया है। और इसी यही प्रक्रिया नीचे गाँव तक लेकर के गए। उस गांव का कोई मुखिया होगा, उस गांव का कोई बड़ा व्यक्ति होगा, उस गांव के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति होगी जिसकी सर्वमान्यता है, ऐसे व्यक्ति को भी इस अभियान के अंदर हमने शामिल किया है। संत हैं, महंत हैं, शंकराचार्य हैं, पुजारी हैं, मठ मंदिरों के मठाधीश हैं, सब लोगों का समावेश संजय जिसके अंदर हमने किया हुआ है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे में एक जो स्क्रीन लगी हुई है, जहाँ पे अयोध्या से जुड़ी हुई तमाम बातें और मंदिर निर्माण को लेके ये जो जगह थी उसके बारे में यहाँ पे पिक्चराइज किया गया है, आप देख सकते हो। गोविंद जी, मेरा एक सवाल ये भी था कि जैसे देश की अगर यदि जनसंख्या की बात की जाए तो 130 करोड़ की संख्या बताई गई है, ऐसे में आपकी जो संस्था या आपकी जो समिति जो है, जो ये उपक्रम, ये अभियान जो चलाने जा रही है, तकरीबन पूरे देश में कितने करोड़ लोगों तक तो पहुंचने का आपका मानस बना हुआ है? संजय जी, हमने पिछले 2 महीनों से ज़्यादा का समय, जिस समय भूमि पूजन हुआ अगस्त में जी, तब से हमने इसकी योजना बनाना प्रारंभ कर दिया। तो प्रारंभिक हमारे जो अनुमान था, जो हमने जरा सारा प्रवास और ये सब कुछ जो हुआ था उसके अंतर्गत, हमको ऐसा लग रहा था कि हम लगभग 11 करोड़ परिवारों से हम संपर्क करेंगे। अच्छा, पूरे देश भर के अंदर, और लगभग 4 लाख गांव तक हम जा पाएंगे। देश में 6 लाख कुछ गांव हैं, तो 4 लाख गांव तक हम जाएंगे, ऐसा हमारा एक अनुमान उस समय था। परंतु जैसे जैसे अभियान की गतियां बढ़ी, बैठकों के दौर चालू हुए, संपर्क चालू हुआ, तो आज मैं ये आपके सामने कह सकता हूँ कि अभी जो हमने जो पिछले समय समीक्षा की, उस समीक्षा में हम लोग पूरे देश में अब लगभग 5 लाख गांव तक हम जाएंगे। और जो हमने 11 करोड़ पहले कहा था, तो वह संख्या हमारी 16 लाख से ऊपर जा रही, 16 करोड़ से ऊपर जा रही है। लेकिन ये बताइए कि जहाँ 11 करोड़ की जो बात थी और 16 करोड़ जो हो रही, ये जो टाइमिंग है, 5 करोड़ जो बढ़ चुके हैं, वो इतने जल्दी बढ़ने के लिए क्या कामकाज किए गए?
वो इसलिए हुआ कि अनेक प्रांतों ने ऐसा तय किया, जैसा विदर्भ प्रांत ने, मैंने बताया आपको पहले जी, कि जैसा तय किया कि यहाँ 12,500 गांव है, हम सभी 12,500 गांव में जाएंगे। अच्छा। और हर घर के अंदर जाएंगे, ऐसा हमने तय किया। तो इसी प्रकार का अनेक प्रांतों ने, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इधर उत्तराखंड है, राजस्थान है, गुजरात है, जी जी, ऐसे इन प्रांतों ने मिलकर के ये तय किया कि हम भी अपने प्रांत के अंदर हर गांव तक जाएंगे। अच्छा। और जब हर गांव तक जाएंगे तो परिवारों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि हर घर तक जाएंगे। तो ऐसा जो हमने अनुमान लगाया है, वो अनुमान के अनुसार हम 16 करोड़ से ऊपर परिवारों में इस विषय को लेकर के हम जाने वाले हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि गोविंद शिंदे, इन्होंने ये बताया है कि 16 करोड़ के आसपास लोगों से इस अभियान के तहत वे मिलने वाले हैं, और पूरी तरह से राम मंदिर व्यवस्था को लेके, मंदिर बनाने को लेके, निधि जमा करने तक के ये जो है पूरा कामकाज किया जाएगा। गोविंद जी, मेरा एक सवाल ये भी था कि अक्सर मंदिर तो कभी बन जाता है, मंदिर बनेगा भी, क्योंकि आपका अभियान जिस प्रकार से चल रहा है तो उसमें कोई दोहरा नहीं कि मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन क्या मात्र मंदिर ही बनेगा कि मंदिर के अलावा और भी कुछ ऐसे तमाम लोगों को या देश के तमाम जाति धर्म पंथ के लोगों को इस प्रभाव में लाने के लिए कुछ ऐसे सामाजिक उपक्रम भी किए जाने वाले हैं क्या, और कुछ निर्माण होने वाला है क्या, ये मेरा सवाल। मंदिर की जो पूरी लड़ाई थी जी, वो 2.77 एकड़ भूमि के लिए थी, बराबर, जो न्यायालय के अंदर प्रकरण था जी। तो विश्वहिंदु परिषद ने 1984 में ही सोच लिया था कि मंदिर तो हमको बनाना है, तो उस समय ये 2.77 एकड़ के अंदर मंदिर बनने से काम नहीं बनेगा, इसलिए हमने वहां पर 60 एकड़ भूमि हमने क्रय कर ली थी, खरीदी थी। 6 दिसंबर 1992 गीता जयंती के दिन जब ढांचा ढाया गया, उसके बाद में नरसिंह राव की सरकार ने वो पूरी की पूरी जमीन, हमने जो 60 एकड़ खरीदी थी उसको लेकर के ऐसी पूरी जमीन सरकार ने अधिग्रहित कर ली थी जी, इसलिए हम वहां पर कुछ भी उस समय नहीं कर पा रहे थे। अभी जब सारा निर्णय हो गया है तो अब हमने विचार किया है कि उस 67 एकड़ भूमि को 108 एकड़ भूमि के अंदर परिवर्तित किया जाए। बिल्कुल। इसलिए संजय जी, हमने वहां पर अनेक लोगों से भूमि क्रय करना प्रारंभ किया है, कुछ लोग दान कर रहे हैं, कुछ लोग नॉमिनल राशि लेकर के वो भूमि हमको दे रहे हैं, उसको लगभग 108 एकड़ के अंदर हम परिवर्तित कर रहे हैं। तो मंदिर तो बनेगा 2.77 एकड़ भूमि के अंदर। मंदिर का जो कुल वर्ग जो बनने वाला है वो 57,400 वर्ग फुट के अंदर बनेगा। ठीक। तो फिर बाकी की जगहों में क्या होगा? तो बाकी की जगहों के अंदर हम वहां पर एक पुस्तकालय बनाने वाले हैं, लाइब्रेरी बनाएंगे, एक अभिलेखागार बनाएंगे, जिसके अंदर सारा वहां पे राम जी से संबंधित सारी चीजें उसमें रहेगी। एक संग्रहालय बनाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि उसकी खुदाई करो, पता लगाओ कि वहां पर क्या था। उस खुदाई के अंदर बहुत सारी चीजें मिली, 6 दिसंबर को जब ढाया गया था तब बहुत सारी चीजें मिली। तो राम जी से संबंधित जो भी ऐसी सारी संग्रहित चीजें हैं वो सब उस संग्रहालय के अंदर रखी जाएगी। एक अनुसंधान केंद्र वहां पर बनाएंगे, जिसमें रिसर्च होगा, लोग PhD करेंगे उसके ऊपर। विश्व से लोगों को हम ला करके राम जी के जीवन के बारे में उनको बताएंगे, राम जी के जीवन की घटनाओं को पर रिसर्च करने के लिए, अध्ययन करने के लिए वहां पर एक अध्ययन केंद्र भी हम उसका बनाने वाले हैं। एक यज्ञशाला बनेगी, एक वेद पाठशाला बनेगी, वहां पर वैदिक लोगों को तैयार करने के लिए, वेदों के ऊपर अध्ययन करने के लिए वो वेदशाला बनेगी। एक सत्संग भवन बनाएंगे, क्योंकि अयोध्या है, सत्संग आवश्यक है, इसे सत्संग भवन वहां पर बनाएंगे। एक प्रसाद वितरण केंद्र के लिए अलग व्यवस्था करेंगे, एक प्रशासनिक कार्यालय लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा परिसर और इतनी बड़ी सारी ये व्यवस्था रहेगी तो इसलिए प्रशासनिक भवन लगेगा। वहां पर एक धर्मशाला बनाएंगे। अच्छा। एक विशिष्ट अतिथियों के निवास की व्यवस्था करेंगे, जैसे विदेशों से कुछ लोग आएंगे, दर्शन करने के लिए आएंगे, देखने के लिए आएंगे, तो उनकी व्यवस्था के लिए बनाएंगे। एक प्रदर्शनी बनाने वाले हैं, उस प्रदर्शनी में राम जी के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक उनके सारे जीवन की घटनाओं की, मोटी मोटी घटनाओं का वहां पर चित्रण होगा। वो चित्रण मूर्तियों के रूप में होगा। अच्छा। तो बंगाल के कलाकार भी वहां पर उसका काम को कर रहे हैं, आधे से ज्यादा काम वो हो चुका है, मूर्तियां गढ़ रहे हैं उसके लिए। एक प्रसाधन की व्यवस्था रहेगी, पार्किंग की व्यवस्था रहेगी, इस प्रकार से उस पूरे भूमि का उपयोग होगा। और ऐसी हमारी अपेक्षा है कि लगभग प्रतिदिन 1,00,000 लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे, इसलिए इतने बड़े पूरे भूमि की और पूरे परिसर की हमको आवश्यकता। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से जो
विश्व हिंदू परिषद के प्रांत महामंत्री है और इस अभियान के जो प्रांत प्रमुख है गोविंद जी शिंदे, इन्होंने सटीक जानकारी देते हुए कि वो जो स्ट्रक्चरल जो कामकाज होगा वो किस प्रकार का होने वाला है, वहाँ क्या क्या बनने वाला है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। गोविंद जी, मेरा एक सवाल ये भी था कि जैसे परदेश की जहाँ बात कर रहे हैं किया जाए कि जैसे भारत के पूर्व जो देश है उनका इसमें क्या रोल होगा, और जो अनिवासी जो भारतीय है उनकी ओर से कितना और कैसे सहयोग आप लोगों को इस यानी इस अभियान को मिल सकता है। विदेशों से में रहने वाला जो हिंदू समाज है वो इस मंदिर के अंदर बहुत बड़ा सहयोग करना चाहता है जी, परंतु हमारे पास में वो जो विदेशों से पैसा आने के लिए जो FCI की जो आवश्यकता रहती है सर्टिफिकेट के, वो हमारे पास में अभी नहीं है, और इसलिए हम विदेशों से अभी नगद रूप में कोई भी धन प्राप्त नहीं कर रहे हैं जी। उनकी इच्छा होने के बावजूद भी हम वो भेज नहीं सकते, वो भेजने को तैयार है लेकिन हम लेने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारे पास में हम किसी भी कानून का कोई उल्लंघन करके किसी प्रकार से पैसा नहीं लेना चाहते, इसलिए अभी हमने उनको मना कर रखा है। लेकिन पूरे विश्व के अंदर जहां जहां राम जी को मानने वाले लोग हैं वो सब इस मंदिर के साथ में जुड़ने की पूरी मनोभावना के साथ में खड़े हैं कि जिस दिन इशारा हुआ संजय जी उस दिन पैसा आना चालू हो जाएगा। इशारा कैसे होगा? इशारा ये होगा जैसे ये सर्टिफिकेट हमको मिला जी, ये इशारा है कि भाई हाँ अब हम ले सकते हैं क्योंकि हम अधिकृत हो गए, कानूनी रूप से हम अधिकृत हो गए कि भाई विदेशों के पैसे को विदेशी मुद्रा के अंदर प्राप्त करना पड़ेगा, तो उसको प्राप्त करने के लिए हम अधिकृत हो गए, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको उसका सर्टिफिकेट दे दिया है, तो फिर हम उसको ले सकते हैं, तो वो फिर भेजेंगे उसको ले ले। बिल्कुल कि अधिकृत तौर पे आप वो राशि स्वीकारने वाले हो, ऐसे आपने इस खास मुलाकात के दरमियान कहा है। गोविंद जी, मेरा एक सवाल ये था कि जहाँ राम मंदिर की जो बात आ रही है, पिछले कई वर्षों से ये लड़ाई चल रही है, लेकिन इस राम मंदिर के मुद्दे को लेके कई पार्टियाँ सियासत भी कर रही है, सियासत बोलो या उनका कुछ योगदान भी या सहयोग उनका होगा, वे भी कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू की कई ऐसी संगठनाएं हैं जैसे कुछ क्षेत्रीय जो पार्टियां होती है उन्होंने भी अयोध्या में जाके बिगुल फूका है और राम मंदिर यही बनाने की उन्होंने भी बात कही थी। कहने का मेरा सवाल यह है कि कई ऐसी हिंदू संगठनाएं हैं कि जो राम मंदिर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और ऐसे में चाहे बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद, वो भी पूरी तरह से कूद पड़ी है, तो ये सब करने में विश्व हिंदू परिषद को क्या फायदा होगा? विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि के आंदोलन को किसी फायदे के लिए अपने हाथ में नहीं लिया, ये हिंदू समाज के गौरव का विषय है। राम जी के जन्मस्थली के ऊपर एक आक्रमणकारी का ढांचा वहां पर खड़ा होकर के जो हमको चिढ़ाता था, जो हमको अपमानित करता था, उसको हटा करके वहां पर प्रभु श्री राम की गरिमा के अनुरूप भव्य दिव्य मंदिर बनाना, यह हमारी मंशा विश्व हिंदू परिषद की। उसमें हमको जो सहयोग करेगा सबका सहयोग लेने के लिए हम तैयार, क्योंकि राम कोई हमारे अकेले के नहीं है, राम सबके हैं, इस देश के राम हैं, इसलिए राम सबके हैं और सब राम के हैं, यह भाव हमारा है। इसलिए कहीं से कोई श्रेय लेने वाली बात या कोई लाभ अर्जित करने वाली बात इसी विश्व हिंदू परिषद ने कभी भी नहीं सोची, शुरू से नहीं सोची। हाँ, शुरू से हमने एक बात ये जरूर कही कि जो नहीं हमारे राम का वो नहीं हमारे काम का, ये बात हमने जरूर कही और घोषित रूप से कही, कोई लुके छुपे नहीं कही हमने, अनेकों मंचों से हमने ये बात कही कि जो नहीं हमारे राम का वो नहीं हमारे काम का, तो जो हमारे राम का नहीं है वो हमको सहयोग भी नहीं करेगा, जो राम को नहीं मानता वो भी सहयोग नहीं करेगा, ऐसा हम ग्रहित पकड़ते हैं। लेकिन हमारे मन के अंदर तो ये है कि जो सब राम के हैं और राम सबके हैं। गोविंद जी, जैसे आपने कहा कि जो राम का नहीं वो हमारा नहीं, मगर इस देश में तो कई जाति धर्म पंथ के और कई मजहब है, जैसे अगर ईसाई की बात की तो कोई कल्चर के वो भी लोग बोल सकते ना कि भैया जो हमारे यीशु का नहीं है वो हमारा नहीं है, चाहे मुस्लिम समुदाय वो भी बोलेंगे जो हमारे अल्लाह का नहीं वो हमारा नहीं है, चाहे बौद्ध लोग का एक धर्म होता है वे भी बोलेंगे कि जो तथागत का नहीं वो हमारा नहीं है, अपन हिंदू है अपन, आप जैसे कर रहे कि जो राम का नहीं वो मेरा नहीं है, तो फिर ये लोग जो बटे हुए जो अलग अलग इसमें हैं, क्या आपको नहीं लगता कि सबका सम्मान होना चाहिए? राम जो है संजय जी ये किसी एक पक्ष का या एक धर्म का प्रतीक नहीं है, राम यह एक तत्व है इस देश का प्राण है, और इस देश के अंदर जो भी समाज रहता है
उनके सबके पूर्वज हिंदू हैं, सबके पूर्वज राम के वंशज हैं, इसलिए अब किसी कारण से आपने अपना मजहब बदल लिया होगा, किसी कोई अलग प्रकार की पूजा पद्धति को अपना लिया होगा, लेकिन आप यदि अपने पूर्वजों का इतिहास टटोलने के लिए जाएंगे तो वो सब राम के भक्त हैं। इसलिए कहीं से द्वेष करने, और हमारे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। ये जो मैंने कहा कि जो नहीं हमारे राम का वो नहीं हमारे काम का, ये जो मैंने कहा ये एक सिंबॉलिक है। अच्छा, एक सिंबॉलिक बात है ये भाई। कोई हम कहते ना कि ये हमारे कोई मतलब का आदमी नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ी कि उससे कभी कोई मतलब ही नहीं रखेंगे, आगे जाकर के कभी संबंध आता है। बिल्कुल, वही मेरा सवाल था जिसका जवाब इन्होंने दिया है कि ऐसा नहीं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। काम में हर कोई व्यक्ति आ सकता है, कब किसका कब कहाँ और काम गिरी ये नहीं बता सकते। दर्शकों, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाएगा, आप बने रहेगा इन बीसीएन के साथ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका खास मुलाकात इस कार्यक्रम में स्वागत है। जिन्होंने अभी भी अपने टीवी सेट शुरू किया, मैं उनको बता दूं कि आज खास मुलाकात इस कार्यक्रम के लिए बीसीएन के स्टूडियो में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रमुख और प्रांत महामंत्री और इस अभियान के प्रांत प्रमुख गोविंद जी शिंदे आए हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने राम मंदिर को लेकर तमाम विषय के ऊपर टॉपिक को लेकर हमने चर्चाएं की। ब्रेक के बाद फिर से हम आपका भी स्वागत करते हैं और सर आपका भी स्वागत करते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा मेरा सवाल सर, राम मंदिर की घोषणा, राम मंदिर बनाएंगे ये बार बार कहा जा रहा है, कई पार्टियों ने भी इसके बारे में जिक्र किया है, लेकिन अब तक कोई ये नहीं बता पाया कि आखिरकार राम मंदिर का निर्माण कब पूरा होगा। आपको कोई जानकारी है, क्या कहना चाहोगे? विश्व हिंदू परिषद ने 1984 से इस आंदोलन को जब अपने हाथ में लिया जी, तभी से हमने एक नारा लगाए थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। ऐसी दो नारे हम उस समय 1984 से लगाते आए। लेकिन 6 दिसंबर गीता जयंती के दिन जिस दिन में वो ढांचे का ध्वस्त हुआ, तो हमने इस नारे के अंदर थोड़ा परिवर्तन किया जी, और कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे, दिव्य बनाएंगे। तो 6 दिसंबर को हमने उस ढांचे को वहां से ध्वस्त करने के बाद और सारी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो जाने के बाद, आज की जो वर्तमान पीढ़ी है, इस वर्तमान पीढ़ी के कंधों पर इस मंदिर के भव्य दिव्य निर्माण करने की जिम्मेदारी आई हुई है। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत युद्ध लड़ा, बहुत बलिदान दिया, कार सेवा के अंदर भी हमारे अनेक कार सेवकों का बलिदान हुआ, अनेक कार सेवक जेल में गए, लाठियां खाई, स्वर्गवास हो गए, मुलायम सिंह ने जो गोलियां चलाई उसके अंदर अनेक कार सेवक मर गए। उसके पहले भी बाबर से, जिस समय बाबर ने इसको मंदिर को तोड़ा, तब से लेकर के और 74 युद्ध हमने इसके लिए लड़े, लगभग 400,000 से अधिक लोगों का बलिदान हो गया, लेकिन मंदिर फिर से नहीं बना पाए। लेकिन अब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्ते उसका जो भूमि पूजन हुआ, तो वहां से मार्ग प्रशस्त हो गया कि अब मंदिर निर्माण होने वाला है। ये जो वर्तमान पीढ़ी है, इस वर्तमान पीढ़ी के कंधों पर इस मंदिर को भव्य दिव्य निर्माण करने की जिम्मेदारी आई हुई है, और इसलिए हम ये ग्रह संपर्क और इस धन राशि समर्पण के कार्यक्रम लेकर के इस पीढ़ी को उस पूरे संघर्ष की भी याद दिला रहे हैं जी। और इस मंदिर को निर्माण करने के लिए हमने संकल्प लिया है कि आने वाले, जब से मंदिर का कार्य प्रारंभ होगा, तब से 3.5 वर्षों के अंदर इस मंदिर को हम पूरा करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। समस्या सिर्फ एक आ रही है कि इस मंदिर को हमने सोचा है कि 1000 वर्ष तक यह मंदिर टिका रहे, इस मजबूती के साथ इसको बनाया जाए, इसलिए उस भूमि का सर्वेक्षण करवा रहे हैं। इसलिए देश के जितने लंबे प्रतिष्ठित भूगर्भ शास्त्री हैं, इंजीनियर्स हैं, जानकार लोग हैं, IITs के लोग हैं, इनका सबका वहां पर वो उपस्थित होकर भूमि की जांच कर रहे हैं जी, माटी परीक्षण। तो पहली परीक्षा के अंदर उन्होंने हमको बताया था कि इसके लिए हमको
क्योंकि बीच के जो पिलर्स होंगे इसके ऊपर सबसे ज्यादा भार आएगा, इसलिए इसके पिलर्स जो है 200 फीट गहरे जाने चाहिए जी। तो हमने खुदाई की उसको, 200 फीट तक गए, लेकिन वहां रेती ही रेती निकल रही है, अभी तक के कड़ी जमीन वहां नहीं मिली है। तो अभी फिर से वो विशेषज्ञ और इंजीनियर्स और वो सारे टेक्नीशियंस बैठ करके उसका सर्वेक्षण करके विचार विमर्श कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी हुई है, अब उसके ऊपर सलाह मशवरा करके और कुछ एक निश्चित होगा। अभी वो क्या निश्चित हुआ उसकी जानकारी नहीं है। इसे जब तक ये तय नहीं हो जाता कि फाउंडेशन कहाँ से आएगा, तब तक आगे के निर्माण की बात नहीं की जा सकती। फिर भी हमने कहा है कि 3.5 वर्षों तक कम से कम इसके लिए समय लगेगा बनने में। बिल्कुल, बनने के लिए 3.5 वर्षों तक के समय लगेगा और 1000 वर्ष तक यह मंदिर जो कि तो बना रहे, इस दिशा में भी कामकाज करना है, ऐसा गोविंद जी शिंदे आपने कहा है। शिंदे जी, मेरा एक सवाल ये भी था कि जैसे जो आपने कुछ समय पहले भी जो राम जन्मभूमि का जो एक क्षेत्रफल जो है वो काफ़ी बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, ऐसे जो क्षेत्रफल है उसके जो अलग अलग जो डिवीज़न जो आपने किए होंगे उसके ऊपर में जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हो, क्या कौन कौन से क्षेत्रफल में क्या क्या होने वाला है? मंदिर तो बनेगा उसी 2.77 एकड़ के ऊपर जो इसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था जी, कोर्ट के अंदर केस चल रहा, उसी पर बनेगा। तो इसलिए अभी पहला जो नक्शा था हमारा उस नक्शे को परिवर्तित किया है, क्योंकि अब कहा कि भाई ये पूरा विश्व स्तरीय स्तर हो गया है इसका मंदिर का, इसे पूरे विश्व से लोग आएंगे और लगभग 1,00,000 लोग प्रतिदिन दर्शन करेंगे, ऐसा एक अनुमान हमने लगाया, इसलिए मंदिर का थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा किया है जी। तो अब जो मंदिर बनने वाला है वो 57,400 वर्ग फुट के अंदर, उसका जो वो नीचे का जो बेस होगा वो 57,400 स्क्वायर फीट होगा जी। उसमें इसकी लंबाई जो है वो 360 स्क्वायर फीट होगी, ओके 360 फीट होगी, चौड़ाई 235 फीट होगी और इसकी ऊंचाई जो है वो 161 फीट होगी। अच्छा, पहले मंदिर 2 मंजिल का बनने वाला था, अब 3 मंजिल का बनेगा। अच्छा, हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट होगी। अच्छा, और ऐसा पहले तीन मंडप थे उसके अंदर, मतलब 3 गुंबद बनने वाले थे जी, अब 5 गुंबद उसके अंदर बनेंगे। ऐसा मंदिर का व्याप भी हमने कर दिया है। तो ऐसा ये जो मंदिर है यह पूरे विश्व का आकर्षण का केंद्र बनेगा, विश्व के लोग इस मंदिर को देखने के लिए आए। और ये पूरा मंदिर पत्थरों से बनेगा, इसमें सीमेंट और लोहे का उपयोग नहीं होगा, ये इसकी विशेषता होगी। बिल्कुल, ये जो मंदिर बनने वाला है ये पूरी तरह से पत्थर से बनने वाला है, सीमेंट और लोहे की कोई उसका उपयोग नहीं किया जाएगा, ऐसा आपने कहा है सर। लेकिन मैं थोड़ा और पीछे जाके एक बार, जो पीछे का जो एक सवाल था जो इसके पहले में मैंने किया था उसी को जुड़ी हुई एक बात है कि जैसे हम देखते हैं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि बस ये हिंदुओं का काम है, हिंदू करते, लेकिन ऐसा भी देखने में आया हुआ है कि उस समय में वो तकरीबन 9 नवंबर 1989 की वो बात है कि जहाँ पे अनुसूचित जाति के ही कामेश्वर जो चौपाल है इनके हाथों तो भूमि पूजन किया गया था, तो ये मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? मैसेज यही है कि हम कोई जाति पाति का भेद नहीं मानते। विश्व हिंदू परिषद की 1964 में जिस समय स्थापना हुई उस समय विश्व हिंदू परिषद के मंच पर सारे शंकराचार्य और सब मठाधीश जितने भी हैं मठ और मंदिरों के जो महंत और जो बड़े साधु हैं इनकी उपस्थिति में ये घोष किया गया था कि हिंदवा सोधरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, कि कोई भी हिंदू ये पतित नहीं है, दलित नहीं है, छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, ऊंच नहीं है, नीच नहीं है, हम सब एक उधर सहोदर अर्थात सगे, सहोदर है मतलब सगे भाई हैं जी, सगे भाई बहन है, इसके लिए एक माँ लगती है। जब तक एक माँ के पेट से जन्म नहीं लेंगे तब तक सहोदर नहीं हो सकते, सगे नहीं हो सकते, तो वो माँ कौन सी है? तो ये भारत माता। इस भारत माता के उदर से जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह आपस में सहोदर है, सगा है, इसलिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, यह हमारे मन में तो ऐसा भाव नहीं है, लेकिन अब है हमारे यहाँ व्यवस्था, SC है, ST है, OBC है हमारे यहाँ व्यवस्था, ये उसी को प्रदर्शित किया है इस घटना ने कि सारे बड़े शंकराचार्यों से लेकर के सारे बड़े महंत ऋषि मुनि सब खड़े थे और उनके समय में उसका जब शिला पूजन करने का कार्यक्रम आया
तो किसके हाथ, किसके हाथों करवाया? सबने मिलकर के कामेश्वर चौपाल के हाथों कराया। कामेश्वर चौपाल कौन है? अनुसूचित जाति के एक सदस्य। ये भी कहीं राजनीति का एक पार्ट नहीं, नहीं, हमने कहा ना शुरू से, हमने राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी राजनीति की दृष्टि से देखा ही नहीं। बिल्कुल, तो ये जो इन्होंने जो मुद्दा जो बनाया, ये जो बात कही है कि ये राजनीति का पार्ट नहीं बल्कि ये समाज का एक पार्ट होता है, क्योंकि सहोदर की जब बात की जाती है, आपस में भाईचारा बने रहे, आपस में सब अच्छे हो और सब आकर इस काम को बढ़ावा दे और सब मिल के काम करें और भारत की एकता अखंडता का दर्शन भी इसी माध्यम से हो सकता है, ऐसा कुछ कहना गोविंद शिंदे जी इनका था। गोविंद जी, मेरा एक सवाल ये भी था कि जैसे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, इनके स्थापना से लेकर अब तक के जो राम मंदिर बनाने के लिए जो अग्रेसर थे आप लोग, आज भी हो, राम मंदिर तो बन रहा है लेकिन भविष्य में दोनों की जो विचारधाराएं क्या अलग है क्या, या किन मुद्दों को लेकर आप कामकाज करने वाले हो? किन की दो लोगों की विचार, जैसे कि बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो गया, मैं शिवसेना का भी जिक्र करता हूँ क्योंकि शिवसेना को भी कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी वहाँ पे गए हुए थे, कई लोग, कई हिंदू के संगठन भी गए थे। बजरंग दल यह कोई अलग संगठन नहीं है, विश्व हिंदू परिषद का ही एक अंग है जी, इसलिए वो तो कोई प्रश्न नहीं है उसका। लेकिन जिस समय कार सेवाएं हुई और राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, तो मुझे याद है उसमें अनेक कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जैसे कि नाम लेना किसी का ठीक नहीं है, उसकी उसके भविष्य के ठीक नहीं होगा। अच्छा, अनेक कार्यकर्ता छोटे स्तर के भी होंगे, कुछ बड़े स्तर के भी होंगे। आपको याद होगा कि आपके यहीं के बनवारीलाल जी पुरोहित कांग्रेस से इस्तीफा देकर के और इस राम जन्मभूमि के आंदोलन के अंदर शामिल हुए थे। जी जी, तो बड़े कद्दावर नेता थे। ऐसे अनेक लोग उस समय इस आंदोलन के अंदर शामिल हुए, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर के शामिल नहीं हुए थे, वो राम जी के लिए समर्पित होकर के आए थे और राम जी का काम होने के बाद फिर से वो अपने अपने काम में लग गए। जो राजनीति करते थे राजनीति में चले गए, जिसको व्यापार करना था वो व्यापार में चला गया। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने इस काम को अंतिम पड़ाव तक ले जाने का जो संकल्प अपने हाथ में लिया हुआ था, उस संकल्प की पूर्ति अभी इस मंदिर के निर्माण से होने वाली है और इस दिशा के अंदर हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं। इसे जो उसने भी इसके अंदर सहयोग किया, सबके प्रति हम कृतज्ञ हैं, चाहे उसने छोटा सहयोग किया हो, बड़ा सहयोग किया हो, जो भी सहयोग, पर्दे के पीछे से किया हो, पर्दे के सामने से किया हो। अनेक लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने हमें पर्दे के पीछे से सहयोग किया, उन्होंने कहा कि ऐसा है शिंदे जी, हमारी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं, हम भी चाहते हैं कि राम मंदिर बने, परंतु हमारी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं, आपको जो सहयोग चाहिए हमसे सब ले लीजिए, हमसे सामने नहीं आ सकते। ऐसे भी अनेक लोग थे और उन्होंने हमको सहयोग किया है, तो उनके सहयोग को भी नकारा तो नहीं जा सकता। वो भी इस राम जी के इस आंदोलन के अंदर, इस गति के अंदर वो बराबरी के सहभागी हैं, वो भी राम भक्त हैं। बिल्कुल, एक मेरा जाते जाते आखिरी का सवाल यह था कि गोविंद जी, जब आपकी जब सरकार थी, आपके बोले तो जब, हाँ मतलब हमारी कोई सरकार, आपकी सरकार बोले तो जब, जैसे मोदी की सरकार थी या मोदी जी की जो अभी सरकार है, और इतने नहीं तो राज्य में भी अभी जैसे शिवसेना बीजेपी का जो एक गठबंधन जो चला था, जिसके चलते पिछले वक्त की जो सरकार थी जहाँ राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, मेरा सवाल ही यह है कि उस दरमियान कई विकास के नाम पर मंदिर, मस्जिद, विहार और चर्च, इनको हाथ लगाया गया, कई मंदिर को ध्वस्त किया गया, ढा दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं यदि कांग्रेस के कार्यकाल में होती थी तो आप कांग्रेस को क्या हिंदू का विरोधी बताते थे, और अब ये हुआ है तो क्या ये लोग हिंदू के समर्थन वाले हैं क्या विरोधी है? इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष ऐसा है कि विकास के मार्ग के अंदर आने में यदि कोई अड़चन आ रही है जी, तो उसमें यदि उसको हटाया जाता है, कुछ किया जाता है, तो हमने उसका कोई बहुत विरोध नहीं किया, क्योंकि मुझे शिवसेना बीजेपी सरकार से कोई मतलब नहीं, सरकार से कोई मतलब, आगे आ रहा हूं मैं बता रहा हूं जी, सरकार से कोई मतलब। लेकिन जो मंदिर न विकास के बाद बाधा हो रहा था, न जिससे कोई अड़चन किसी को हो रही थी, प्राइवेट लैंड्स के अंदर थी, उनको भी तोड़ने का प्रयत्न हुआ था, हमने उसका संघर्ष किया।
हमने लड़ाई लड़ी, चाहे सरकार किसी की भी हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कई हिंदू लोग भी इस सरकार के ये जो आदेश था उसके खिलाफ खड़े हुए थे। बिल्कुल, उन्होंने भी अपनी आवाज को तेज की थी। हमको समाज ने सहयोग भी किया, हम तो सड़कों पर उतरे, मंदिर का घेराव किया, हमने लाठियां खाई है, हमको जेल में बंद किया गया उस समय, हम जेल भी गए हैं, लेकिन मंदिर तोड़ने का विरोध हमने उस समय भी किया है जी। और आगे भी यदि इस प्रकार की कोई बात आती है, अभी दिल्ली के अंदर ही वो एक मंदिर को तोड़ दिया गया, अभी 4 दिन या 5 दिन पहले की बात है, सबसे बड़ा आंदोलन विश्वेंद्र परिषद ने खड़ा किया है, वहां पे विश्वेंद्र परिषद आंदोलन कर रही है, आज भी कर रही है, रैदास मंदिर को तोड़ा, सबसे बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर विश्वेंद्र परिषद ने किया। तो सरकार कौन सी है, किसकी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो धार्मिक मुद्दों को लेकर के काम करते हैं, हिंदू समाज के लिए काम करते हैं, तो हिंदू समाज के लिए चाहे जो सरकार हो उससे यदि भिड़ने की आवश्यकता होगी उससे भिड़ेंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल, तो आप थे गोविंद शिंदे जी, जिन्होंने बखूबी और बेबा के साथ खास मुलाकात इस कार्यक्रम के जरिए अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी है, और इनका ये मानना है कि राम मंदिर वही बनाएंगे, रामलला के बारे में उन्होंने जानकारी दी, और मंदिर कैसे निर्माण होगा, कब निर्माण होगा, कितने क्षेत्रफल में होगा, उस मंदिर में क्या क्या बनने वाला है, ये तमाम जानकारी उन्होंने दी। और सबसे महत्व की जानकारी तो ये थी कि ये जो अभियान है इसके अंदर में सभी लोगों को साथ लेने की उन्होंने बात की, क्योंकि भारत देश ये एक ऐसा देश है जिसे हिंदुस्तान भी कहते हैं, और हिंदुस्तान की ये बात है, एक स्पेशलिटी है कि सबको लेके चलती है, क्योंकि भले ही उंगलियों अपने अलग अलग हो, कई जाति धर्म अलग अलग हो, जब मुट्ठी बंद होती है एक ताकत बनती है, और यही ताकत इस हिंदुस्तान की भी दिखाई देती है। तो दर्शकों, अगली बार हम फिर ऐसी पर्सनालिटी से खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आपसे रूबरू होंगे। गोविंद जी शिंदे साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और जो राम मंदिर को लेकर जो बातचीत की उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। तो दर्शकों, मिलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम खास मुलाकात नागपुर। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद जी, धन्यवाद।